अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज हम इसका दूसरा लेक्चर मैं आपके सामने पेश करता हूं। आज पढ़ेंगे मैन बेसिस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बेसिस थी, यानी इसमें क्या प्रैक्टिस अपनाई गई वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोड्यूस। जो गवर्नमेंट है, उन्होंने गारंटी दी फार्मर्स को कि उनका जो प्रोड्यूस है उसको एक माकूल कीमत मिलेगी, एक सिक्योरिटी भी मिलेगी फ्रॉम फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइस, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोड्यूस। गवर्नमेंट gave guarantee of food price, good price of produce to farmers to give them security from fluctuation of price and to save them from exploitation. जिसको हम minimum price support कहते हैं, minimum price जो कम से कम एक माकूल कीमत जो farmers को चाहिए थी वो यहाँ पर provide किया गया। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी इम्पोर्टेंस दी गई। सो एनफ इम्पोर्टेंस इन कंट्री वाज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ डायरी फार्मिंग। जो डायरी फार्मिंग है, यानी दूध और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, उस पर ध्यान दिया गया ज़्यादा। शीप रियरिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री हुआ, ये एनिमल को रियर करने का एक जो साइंटिफिक तरीका होता है उसको एनिमल हस्बेंड्री, उसको ध्यान दिया गया, उस पर ध्यान दिया। शीप रियरिंग पे भी ध्यान दिया गया। डेवलपिंग न्यू बेसिस ब्रीड ऑफ काउज एंड बफेलोज। वो हाई यील्डिंग मिल्क जो होती है काउज और बफेलोज, उनको इम्पोर्टेंस दी गई इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसको भी इम्पोर्टेंस दी गई। तीसरा, इम्पोर्टेंस टू हाई यील्डिंग सीड्स। जो हाई यील्डिंग सीड्स हो और ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स हो और डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड्स हो, उनको यहाँ पे वो सीड्स नए प्रैक्टिस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ बनाए गए और वो प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को। हाई क्वालिटी एंड हाई यील्डिंग सीड्स वायर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। तो चौथा पॉइंट हमारा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन बनाई गई, उसने क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स मशीन्स एंड अरेंजमेंट ऑफ गोडाउन्स। जो भी एग्रीकल्चर के लिए इम्प्लीमेंट्स चाहिए थे, टूल्स चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, इन द फॉर्म ऑफ दिस इरीगेशन ट्यूबवेल्स हो या उसका अरेंजमेंट हो एरीगेशन का, उसके इम्प्लीमेंट्स हो, उनके टूल्स हो या प्लो करने के टूल्स हो, हार्वेस्टिंग के टूल्स हो, तो वो प्रोवाइड किए गए। मशीन्स हो यानी ट्रैक्टर्स हो, ऐसी चीज़ें जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हो वो प्रोवाइड किए गए इस कॉरपोरेशन में, वो उस पर ध्यान दिया गया। और एक पॉइंट है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो आज हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते, उस दौर में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लॉन्च की गई, तो फर्टिलाइजर्स बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल किए गए। केमिकल फर्टिलाइजर्स वायर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फर्टिलाइजर्स हुए जो हम खाद शाद केमिकल ये डालते हैं अपने खेत में, ताकि हमारा फल सही निकले, सही बने, तो वो हुआ। और एक पॉइंट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स कीड़ा मार दवाई जो हो, जो हमारी जो इंसेक्ट्स हमारी ये फसल को ख़राब करते हैं, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स वो दवाई इस्तेमाल की गई। मल्टी क्रॉप प्रोग्राम, इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। यहाँ पे मल्टी क्रॉप प्रोग्राम मीन्स एक ही बेक वक्त हम यहाँ पे अपनाया गया, बहुत सारी जो क्रॉप्स बैक वक्त उगाई जाती थी, वेजिटेबल्स हो, जवार हो, कॉर्न हो, ऐसी ऐसी जो आपस में कंपेटेबिलिटी रखते हो
वो क्रॉप्स उनको मल्टी क्रॉप प्रोग्राम में ये उगाया गया। ये था हमारा टॉपिक आज का। कल हम कुछ और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।